अगर आप डेटा साइंस जेनरेटिव एआई बेस्ड जॉब इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी आजकल के जमाने में जेनरेटिव एआई हर जगह पे आ गया है। कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर जगह पे जेनरेटिव एआई का एप्लीकेशन हो रहा है। और बहुत बड़े बड़े कंपनीज आजकल बहुत सारे एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर रहा है जेनरेटिव एआई बेस्ड रोल्स के लिए। तो अगर आप डेटा साइंस जेनरेटिव एआई ये सब के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो और अच्छा पैकेज आप लाना चाहते हो, क्योंकि जेनरेटिव एआई में आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, तो आपका जो इंटरव्यू है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा और उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, और उसके डिटेल्स में ये भी बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आप फेस करेंगे जॉब इंटरव्यू के लिए, और उसका आंसर कैसे देंगे, ये सारे ओवरव्यू आपको मैं दूंगा। तो शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। वेलकम टू एडी एकेडमी। द मेन मोटो ऑफ दिस चैनल इज एआई फॉर आम जनता। माय नेम इज डॉक्टर आयान देवनाथ। आई एम एन आईआईटी दिल्ली एलुमनाई एंड फुलब्राइट रिसर्च स्कॉलर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आई हैव टोटल 9+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, एनएलपी, जेनरेटिव एआई। लेट्स वॉच दिस वीडियो। वेलकम टू माई मेटावर्स। जेनरेटिव एआई का ये मतलब नहीं है आप सिर्फ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ओपन एआई, ये सभी आप सिर्फ पढ़ के जाइए इंटरव्यू के लिए, ऐसा नहीं है। इंटरव्यूअर जो है वो आपको एसेस करेंगे आपका बेसिस, आपका फंडामेंटल्स कितना स्ट्रांग है, और इसके लिए आपको पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सारे टॉपिक के ऊपर भी आपको जानना जरूरी है। तो एक एक करके मैं आता हूँ कौन से टॉपिक के लिए आप क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, ये सारे मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कोई आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उस इंटरव्यू में कोडिंग राउंड हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है, एक कोडिंग राउंड रहता है, वो राउंड 1 में हो, राउंड 2 में हो, कहीं ना कहीं एक कोडिंग राउंड रहता है। तो उसमें आपको बेसिक्स टू इंटरमीडिएट लेवल वाला पाइथन का क्वेश्चन आपको पूछता है। ऐसे नहीं आपको एक कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछ देगा और उसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पे क्वेश्चन पूछता है पाइथन में। कैसे, मैं कुछ सैंपल्स देता हूँ। जैसे आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में आपके पास कुछ नंबर्स है, उस नंबर्स को आपको रिवर्स करना है, तो वो स्ट्रिंग हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, उसको आप कैसे रिवर्स करेंगे। नहीं तो आपको पूछ सकता है फिबोनाची सीरीज आप जनरेट करके दीजिए, कैसे फिबोनाची सीरीज काम करता है। फिर आपको पूछ सकता है कुछ क्वेश्चन ऑन पांडास। पांडास में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे रोज, बहुत सारे कलम्स होता है, CSV फॉर्मेट में डेटा रहता है, उस डेटा को आप कैसे रिट्रीव करेंगे, कौन से कंडीशन के लिए कैसे कैसे आप उस डेटा को रिट्रीव करेंगे। सपोज आपको इसी रो से, इसी कलम से कुछ डेटा आपको रिट्रीव करना है, वो कैसे करेंगे बेस्ड ऑन सम कंडीशन, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। नहीं तो नामपाई के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, नामपाई में कैसे आप मैट्रिक्स एडिशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कुछ कुछ ऑपरेशन करेंगे, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप ये जेनरेटिव एआई रोल्स के लिए जा रहे हो तो एनएलपी रिलेटेड कुछ कोडिंग भी आपको पूछ सकता है। से फॉर एग्जांपल डेटा क्लीनिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे एक टेक्सचुअल डेटा लिखा है आई लव एनएलपी, बट उसके बीच में ये जो लिखा है ना, ये जो एट द रेट है, ये जो डॉलर साइन है, ये क्या है, इसका मतलब नहीं होता है। तो ये जो स्पेशल करेक्टर है इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, इसको हम लोग क्लीन कर सकते हैं फ्रॉम योर डेटा, फिर वो डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, इस टाइप का डेटा क्लीनिंग क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। फिर आते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। तो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको बेसिक चीज जानना है, बेसिक्स के ऊपर ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जेड टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, पी वैल्यू क्या होता है, एनोवा टेस्ट क्या है, एनोवा टेस्ट और टी टेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कोरिलेशन क्या है, कोवेरियंस क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में किस टाइप का कंडीशंस होता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे आता है ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है, टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर में कौन सा ज्यादा डेंजरस है, कौन सा आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, कौन से केस के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। फिर आता है एक्यूरेसी क्या होता है, इफ वन स्कोर क्या होता है, इफ वन स्कोर कब यूज होता है, कब एक्यूरेसी यूज होता है, ऐसा नहीं है हर जगह पे आप इफ वन स्कोर को प्रायोरिटी देंगे, हर जगह पे आप एक्यूरेसी की प्रायोरिटी देंगे, ऐसा नहीं है। किसी किसी केस में हम लोग इफ वन स्कोर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो इफ वन स्कोर किस केस में, कौन से कंडीशन में, कौन से एप्लीकेशन के लिए आप एफ1 स्कोर को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। फिर प्रिसिशन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, फिर आरओसी कर्व क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, ये सारी चीज आपको जानना पड़ेगा स्टेटिस्टिक्स में। फिर आते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के ऊपर भी आपको बेसिक्स में
आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो ऑलवेज देखना चाहता है आपका फंडामेंटल्स कितना स्ट्रांग है। क्योंकि ये जो जेनरेटिव एआई है ना, तो जेनरेटिव एआई कैसे बन रहा है, ये पाइथन, स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से जेनरेटिव एआई बन रहा है, क्योंकि जेनरेटिव एआई एक स्पेशल सबसेट है ये सारे चीज का, राइट। तो आपको ये सारे टॉपिक्स भी आपको प्रिपेयर करना है इंटरव्यू में, जैसे कुछ एल्गोरिदम्स आपको प्रिपेयर करना है, जैसे एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन में ये जो गामा पैरामीटर्स रहते हैं, इस गामा पैरामीटर्स का क्या फंक्शन होता है, गामा पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा। फिर आते हैं सपोज कुछ कोई क्लस्टरिंग टेक्निक्स होता है, के मीन्स क्लस्टरिंग टेक्निक्स क्या है, ठीक है, के मीन्स क्लस्टरिंग टेक्निक के अंदर कितना कितना वेरायटी होता है, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स का कितना वेरायटी होता है, एल्बो टेक्निक क्या होता है, के मीन्स के अंदर कौन से वैल्यूज ऑफ के आपको लेना चाहिए, के मीन्स में कौन सा ऑप्टिमम है, कैसे आप उसको डिसाइड करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं कुछ और एल्गोरिदम्स के ऊपर, जैसे हो गया डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। डिसीजन ट्री में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या क्या हाइपर पैरामीटर है डिसीजन ट्री में, डिसीजन ट्री में कितना नंबर ऑफ ट्री लेना सफिशियंट है, कितना ऑप्टिमम है, ठीक है। और डिसीजन ट्री आपने ले लिया तो सपोज ओवरफिटिंग हो गया आपके डेटा में, तो वो ओवरफिटिंग कैसे आप अवॉइड करेंगे, उसमें प्रूनिंग करके टेक्निक होता है, प्रूनिंग का भी बहुत सारा टेक्निक होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आता है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो आपको पूछ सकते हैं कब आप डिसीजन ट्री यूज कर सकते हो, कब आप रैंडम फॉरेस्ट यूज कर सकते हो। रैंडम फॉरेस्ट के अंदर फिर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज बूटस्ट्रैप एल्गोरिथम, बूटस्ट्रैप एल्गोरिथम क्या होता है रैंडम फॉरेस्ट में, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग क्या होता है रैंडम फॉरेस्ट में, कौन कौन सा हाइपर पैरामीटर को आपको ट्यून करना चाहिए रैंडम फॉरेस्ट में, ठीक है। फिर आते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करता है, लिनियर रिग्रेशन कैसे काम करता है, लॉस फंक्शन जो होता है, लॉस फंक्शन कैसे होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, उसके क्वेश्चन आपको बोल सकते हैं लिखने के लिए। फिर आपको पूछ सकते हैं लैसो क्या है, रीच क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशन टेक्निक क्या होता है, ये सबके ऊपर आपको बेसिक जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आता हूँ डीप लर्निंग के ऊपर। नाउ डीप लर्निंग में आपको क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करना है, आपको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, एएनएन क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, क्यों हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन में किस किस टाइप के एक्टिवेशन फंक्शन होता है, एक यूज केस देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिगमॉइड फंक्शन कौन से यूज केस में हम लोग यूज करेंगे, सॉफ्टमैक्स फंक्शन, सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन जो फंक्शन होता है ना वो कब हम लोग यूज करते हैं, रेलू कब हम लोग यूज कर सकते हैं, सिगमॉइड और सॉफ्टमैक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसके यूज केस में क्या डिफरेंस है, ये पूछ सकता है। फिर आपको पूछ सकता है ऑप्टिमाइजर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजर क्या हो सकता है, एडम ऑप्टिमाइजर होता है, फिर होता है आरएमएस प्रॉप्स ऑप्टिमाइजर, ये सारे क्या है। फिर मोमेंटम का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट है, ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्यों इसको यूज कर रहे हैं डीप लर्निंग में, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। फिर आता है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, सीएनएन। सीएनएन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेनरेटिव एआई का ऐसा नहीं है जेनरेटिव एआई सिर्फ टेक्सुअल डेटा के ऊपर अप्लाई होता है, नहीं, जेनरेटिव एआई इमेज के ऊपर भी आप यूज कर सकते हो, ऑडियो सैंपल्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो। तो जेनरेटिव एआई जब आप यूज कर रहे हो अपने इमेज डेटा के ऊपर, तो वहाँ पे सीएनएन का कॉन्सेप्ट आता है, तो सीएनएन कैसे आप यूज करेंगे, कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, उसमें स्ट्राइड करके कॉन्सेप्ट आता है, स्ट्राइड क्या है, स्ट्राइड का नंबर आप बड़ा इसको इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, स्ट्राइड का नंबर डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। फिर आता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, क्योंकि आजकल के जमाने मोस्ट ऑफ द जो काम होता है जेनरेटिव एआई के ऊपर वो है टेक्सुअल डेटा के ऊपर। आपने चैट जीपीटी यूज किया है तो आप देखा है टेक्सुअल डेटा के ऊपर बहुत काम होता है, उसमें ऑडियो सैंपल्स और हम लोग इमेज भी दे सकते हैं, बट टेक्सुअल डेटा के ऊपर ही ज्यादा काम होता है। तो टेक्सुअल डेटा के बेसिस पे एनएलपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनएलपी के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, स्टेमिंग क्या होता है, लिमिटेशन क्या होता है, स्टेमिंग और लिमिटेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कौन से यूज केस में आप स्ट्रीमिंग टेक्निक को यूज करेंगे, कौन से यूज केस में आप लिमिटेशन टेक्निक को यूज करेंगे। फिर आता है वर्ड एम्बेडिंग। वर्ड एम्बेडिंग का बहुत सारे टेक्निक्स होता है, जैसे हो गया बैग ऑफ वर्ड्स। बैग ऑफ वर्ड्स का क्या एडवांटेज है, बैग ऑफ वर्ड्स का क्या डिसएडवांटेज है, TF-IDF और एक वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक होता है, TF-IDF का क्या एडवांटेज है ओवर बैग ऑफ द वर्ड, TF-IDF का क्या डिसएडवांटेज है, व्हाट टू वेक एक टेक्निक होता है, व्हाट टू वेक का क्या एडवांटेज है बैग ऑफ वर्ड्स TF-IDF के ऊपर, ठीक है, ये सारे चीज आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको पूछ सकते हैं, सीक्वेंस टू सीक्वेंस टेक्निक क्या होता है, आरएनएन क्या होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क एएनएन से डिफाइंड होता है, कैसे डिफाइंड होता है, रिकरेंट हम लोग क्यों बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। फिर आता है एलएसटीएम।
लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी का क्या एडवांटेज है ओवर आरएनएन? आरएनएन यूज करना हम लोग क्यों बंद कर दिए, क्यों हम लोग एलएसटीएम यूज करते हैं? फिर आते हैं बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल आरएनएन होता है, बाई डायरेक्शनल एलएसटीएम होता है। बाई डायरेक्शनल आरएनएन हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्यों हम लोग आरएनएन नहीं यूज कर सकते हैं, और क्यों आरएनएन यूज कर सकते, क्यों बाई डायरेक्शनल यूज नहीं कर सकते, कौन से यूज केस में कौन सा यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर 2017 में आया था मार्केट में, और ट्रांसफॉर्मर आने के बाद से पूरे दुनिया का एनएलपी का एनएलपी जेनरेटिव या ये सारे जो चीज़ें, ये सारे ट्रांसफॉर्मर से स्टार्ट हुआ है। ट्रांसफॉर्मर पूरे एनएलपी का नक्शा ही बदल दिया है, और जेनरेटिव या का जो बेसिस है वो बेसिस है ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। ट्रांसफॉर्मर आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं एनएलपी के ऊपर, मेरा प्लेलिस्ट है एनएलपी को और जेनरेटिव या के ऊपर मेरा प्लेलिस्ट है, वो आप देख सकते हो। ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिटेल्स में मैंने बहुत बहुत सारा वीडियो बनाया है, वो आप देखिए, अच्छे से जानिए ट्रांसफॉर्मर क्या है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर बेसिक होता है जेनरेटिव या का। ट्रांसफॉर्मर आपको जानना ही पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर में बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे इनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म क्या है ट्रांसफॉर्मर में, मल्टी हिट सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म क्या है, ये आपको जानना है। फिर होता है डिकोडिंग। ट्रांसफॉर्मर में डिकोडिंग कैसे करते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी का जो कंडीशन है वो कैसे प्रोबेबिलिटी कंडीशन आता है, ये सारे आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM। क्योंकि आप जेनरेटिव AI रोज के लिए जा रहे हो, तो आपको तो ये क्वेश्चंस आपको फेस करना ही है, इस टाइप का क्वेश्चंस। तो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, जैसे आपने BART, BERT, ये सारे जो पेटेंट्स मॉडल है और ये सारे फेमस पेटेंट मॉडल्स है, तो ये सारे पेटेंट मॉडल्स जो है ये कैसे काम करता है, BART कैसे काम करता है, ठीक है, BART और BART के बीच में क्या डिफरेंस है। हगिंग फेस एक प्लेटफॉर्म होता है। हगिंग फेस एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, जहाँ से आप बहुत सारे चीज़ को आप इंपोर्ट कर सकते हो, उससे आप बहुत सारे, इसमें बहुत सारे डेटा सेट्स भी है, बहुत सारे मॉडल्स भी है, तो हगिंग फेस जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाया है कैसे आप हगिंग फेस से डेटा ले सकते हैं, कैसे आप हगिंग फेस से मॉडल को लेकर उसको ट्रेन कर सकते हो, ये सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हो। हगिंग फेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आते हैं कुछ ओपन सोर्स मॉडल, जैसे लामा। लामा का बहुत वर्षन आता है, लामा 2, लामा 3, लामा 3.1 अभी चल रहा है, तो ये लामा के बारे में तो आपको कुछ पूछ सकता है। फिर आता है गूगल गेम माई, ये सारे ओपन सोर्स मॉडल आप कैसे यूज करते हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं तो जो पेड सोर्सेस है, जैसे ओपन एआई से आप कुछ मॉडल लेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ फ्रेमवर्क्स होता है, जैसे लैंगचेन हो गया, लामा इंडेक्स हो गया, तो लैंगचेन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। लैंगचेन यूज करके आप कैसे डिफाइंड एप्लीकेशन बनाएंगे, ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। फिर आता है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग। मतलब आपके पास सपोज एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो प्रीट्रेंड है, पहले से वो ट्रेन होकर रखा है, आपने उसको डाउनलोड कर लिया, अब इसके ऊपर उस मॉडल को कैसे आप फाइन ट्यून करेंगे आपके डेटा सेट के लिए, ये आपके यूज के लिए कैसे आप उसको फाइन ट्यून करेंगे, फाइन ट्यूनिंग टेक्निक क्या क्या होता है, कैसे फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं। PIFT, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, ये टेक्निक क्या होता है, ओके। फिर लोरा, लो रैंक एडेप्टेशन टेक्निक, लोरा क्या होता है, क्यू लोरा, क्वांटाइज लोरा, क्या एडवांटेज है क्यू लोरा का ओवर लोरा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। फिर आते हैं कुछ कस्टम लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपके पास है, ठीक है, उसको आप कैसे ट्रेन करेंगे स्क्रैच से, ठीक है, कैसे आप इन्फ्लुएंस करेंगे, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इंटरव्यू जानना चाहते हैं कुछ एडवांस लेवल के ऊपर, अगर वो जाना चाहता है, तो आपको वो पूछेगा वेक्टर डेटाबेस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। वेक्टर डेटाबेस में MySQL, NoSQL, ये सारे टेक्निक्स होते हैं, तो ये सारे कैसे आप यूज करेंगे। फिर और एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो एडवांस लेवल के लिए है, जो है RAG। सो RAG कैसे यूज करते हैं, सर्च एल्गोरिथम में RAG को कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ये सब के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है प्रोजेक्ट, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग देखना चाहता है कैसे आप एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो, आपके पास सच्ची में एक्सपीरियंस या नहीं, आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के आए हो, थ्योरी मगअप कर लिए हो, इसका मतलब ये नहीं आप इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से कर सकते हो, तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन पावर कितना स्ट्रांग है, ये तभी मैनिफेस्ट होगा जब आप बहुत सारे प्रोजेक्ट करके आए हो, तो आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई कंपनी में काम करो तो उसमें आपने क्या क्या काम किया वो आप बोल सकते हो, नहीं तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो गिटहब में चले जाइए, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स मिल जाएगा, और वो सारे आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा नहीं गिटहब में बहुत सारा कोड मिल जाएगा, उसको उठा लिया, कुछ डेटा है उसको उठा लिया, ओके, और ब्लाइंड फोल्ड होके उसको आपने यूज कर लिया, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि आजकल के जमाने में जो भी इंजीनियर से सारे लोग ऐसे काम करता है, और इंटरव्यू का पता है ये कोई भी इंटरनेट से काम कर सकता है, तो उससे आप अपने ड्रीम कंपनी में लैंड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अच्छे से प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और जो भी आप बोल रहे हो, जो भी सीवी में लिख रहे हो, उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। वो सारे चीज आपको अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। तो ये जो डेटा है, तो डेटा आपने कहाँ से लिया है? अगर ओपन सोर्स से लिया है तो ओपन सोर्स में डेटा जो है वो कैसा है, नहीं तो आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको जो डेटा मिला है वो डेटा कैसा है? ऐसे नहीं आपके पास जो डेटा है वो ब्लाइंडली आप यूज कर रहे हो, उस डेटा के नो हाउ के बारे में आपको जानना है। आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मतलब वो डेटा कैसा है, डेटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उसका मीडियन वैल्यू क्या है, उसमें कुछ आउटलायर्स है या नहीं, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। क्योंकि अगर आप गार्बेज इन करेंगे तो गार्बेज आउट ही आएगा। तो आपको डेटा के बारे में डिटेल्स में आपको जानना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं इसके लिए आपको डेटा एनालिटिक्स बनना पड़ेगा, डेटा साइंस जो पढ़ते हैं, डेटा साइंटिस्ट जो होता है, उसको भी थोड़ा डेटा के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर ये डेटा आपने ले लिया, फिर आपने कोड कैसे लिख रहे हो, स्क्रैच से कैसे लिख रहे हो, ट्रांसफॉर्मर मॉडल को स्क्रैच से आप कैसे बना सकते हो, बर्ड जो मॉडल है उसको कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, ये सारे चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। फिर ट्रेनिंग कर लिया, वैलिडेशन कर लिया, फिर एक्यूरेसी कितना निकल लिया, एक्यूरेसी अगर अच्छा नहीं आ रहा है, अगर कम आ रहा है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये सारे चीज़ प्रोजेक्ट के डिटेल्स में आपको जानना है। कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो उसके डिटेल्स में जाइए, और मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ किस किस टाइप का प्रोजेक्ट कर सकते हो। जैसे हो गया टेक्स्ट समराइजेशन, टेक्स्ट समराइजेशन एक एग्जाम्पल है, फिर हो गया टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फिर हो गया टेक्स्ट जनरेशन। इसी टॉपिक के ऊपर आप कुछ कुछ हैंड्स ऑन करके जा सकते हैं। फिर हो गया जैसे आपने ईमेल ऑटोमेटेड सिस्टम, इसके ऊपर आपने एक प्रोजेक्ट कर लिया। चैटबॉट कैसे आप बना सकते हो लैंगचेन फ्रेमवर्क को यूज करके, नहीं तो हगिंग फेस को यूज करके, चैट जीपीटी को यूज करके, लामा मॉडल को यूज करके कैसे आप चैटबॉट बना सकते हो, ये सारे चीज के ऊपर आप थोड़ा हैंड्स ऑन कर लीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है, अगर आपके पास डिप्लॉयमेंट के ऊपर अगर आपके पास आइडिया है तो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि डिप्लॉयमेंट के ऊपर अगर आप आइडिया है तो मतलब आप बाकी भीड़ से थोड़ा अलग हो जाएंगे। मतलब ये जो टॉपिक्स मैंने बताया है ये तो आपको जानना ही पड़ेगा, इसके ऊपर आपके अगर डिप्लॉयमेंट के ऊपर आइडिया है तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। ओके, डिप्लॉयमेंट मतलब क्या है, आप जब अपना मॉडल बना लिया उसको कैसे आप क्लाउड में उसको डिप्लॉय करो, क्लाउड नहीं हो गया तो कोई लोकल फ्रेमवर्क के ऊपर कैसे यूज कर रहे हो, जैसे फास्ट एपीआई फ्रेमवर्क होता है उसमें आप कैसे उसको डिप्लॉय करते हो, नहीं तो क्लाउड में जैसे AWS में कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, ओरेकल क्लाउड में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, Azure में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, उसका बेसिक थोड़ा जान लीजिए। AWS SageMaker कैसे काम करता है थोड़ा बेसिक बेसिक उसके ऊपर जान लीजिए। डॉकराइजेशन क्या होता है, डॉकर्स क्या होता है, कंटेनर्स क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा नॉलेज ले लीजिए। अगर डिप्लॉयमेंट के ऊपर आपको नॉलेज है ना, तो मैं अपने जेन्युइन एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा बाकी कैंडिडेट से। तो ये सारे टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक जो मैंने बताया है, ये सारे टॉपिक के ऊपर आप अच्छे से पढ़ के जाइए, कोई भी आप अगर आप जेनरेटिव एआई रोल के लिए जा रहे हो, डेटा साइंस रोल के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में और भी वीडियो बनाऊंगा, मेरा जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या आंसर करना है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए पाइथन में, स्टैटिस्टिक्स में, मशीन लर्निंग में, आपको क्या क्या आंसर करना चाहिए, क्या क्या आइडियल आंसर होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू को पता लगे हाँ आप इस टॉपिक के बारे में जानते हो, और कुछ कुछ हैंड्स ऑन भी करके दिखाऊंगा। तो ऐसे देखते रहिए मेरे वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ जो जेनरेटिव एआई डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, क्योंकि डेटा साइंस जेनरेटिव एआई में आजकल बहुत ज्यादा पैकेज मिल रहा है। तो अगर ये आप ट्राई कर रहे हो ऐसा इंटरव्यू के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप जरूर प्रिपेयर करके जाइए। मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।